एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लविला को, जो कि यहाँ जिकी को बता रही होती है कि जब वहाँ पे हम गए तो हमारी बातें उनके साथ काफी अच्छे से हुई। वैसे तो वो घमंडी मेयर हमसे बात नहीं करना चाहता था, पर जो वाइस मेयर थे वो काफी अच्छे थे। उन्होंने कहा वो खुद से इस चीज को हैंडल करेंगे और साथ ही साथ मेयर को भी थोड़ी देर बाद एहसास हो गया कि वो कितने ज्यादा एंड फ्रेंडली थे इन लोगों के साथ। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे इन्हें डिनर के लिए बुलाया। लविला पहले इन्हें मना करने वाली थी, पर वो देखते उसके वॉरियर्स को भूख लगी होती है तो वो इस चीज के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद ये लोग डिनर खाते हैं क्योंकि यहाँ सोल्जर्स काफी ज्यादा भूखे होते हैं। और लविला इसे बताती कि ये सब मेरी गलती है, हम अचानक से उसके वहाँ पे चले गए और डिनर करने के बाद हम यहाँ पे मेयर का शुक्रिया करने के लिए गए, पर जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि जो वाइस मेयर है वो यहाँ पे मारे जा चुके हैं और उन्हें मारने वाले और कोई नहीं, वो मेयर थे। उन्होंने यहाँ पे इसे कहा कि तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती। तभी यहाँ पे इसकी नजर स्टैचू ऑफ वैली पे जाती है तो ये कहती है क्या तुम वैली के पपेट हो। ये कहता है कि तुम्हें पता चल गया, ये तो काफी अच्छी बात है। लविला इसे पूछती है कि आखिरकार ये सब करके तुम करना क्या चाहती हो। ये इसे कहता है क्या तुम देख के बता नहीं सकती, ऑब्वियसली मैं तुम सबको ग्रेट वैली को सैक्रिफाइस करने वाला हूँ। और ये अपने ज़ॉम्बी से इनके ऊपर हमला करवा देता है, पर यहाँ पे सोल्जर्स इन्हें लड़ने लग जाते हैं। लविला को जल्दी एहसास हो जाता है कि वो अकेले इन सबको हैंडल नहीं कर सकती और वो सिर्फ सोल्जर्स के बीच में आ रही है। तभी मेयर का एक पपेट इसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो सोल्जर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि लविला जिंदा रहे। इसके बाद की कहानी आपको पता ही है। देखिए फिर इसे पूछता है ये वही वैली है ना जिसके बारे में सोच रहा हूँ। ये कहती कि हाँ। तो ये कहता है इसका मतलब ये वही विड है जिसे हमेशा डिस्ट्रक्शन की डिजायर रहती है, जो कि इस दुनिया में तबाही लाना चाहता है, और वो एक तरह से एक ईवल गॉड वैली है। जो लोग उसे फॉलो करते हैं वो रेगुलरली यहाँ पे मर्डर कमिट करते हैं और साथ ही साथ टेररिज्म भी फैलाते हैं। तो ये इसे फिर पूछता है कि आखिरकार वो पार्टी में करना क्या चाहते हैं। ये कहती है कि ये मेरा बस गैस है, पर मुझे लगता है वो इस पूरी सिटी में रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हैं। मैंने मेयर के पीछे जो स्टैचू थी वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि सिटी को मुझे ऑफर कर दो। जिकी इसे कहता है इसका मतलब वो पूरी सिटी को ही सैक्रिफाइस करने वाले। ये कहती है कि इसके बारे में तुम्हें और कुछ पता है क्या। ये कहता है कि हाँ, वो यहाँ पे हर जगह स्टैचू लगाने वाले पूरी सिटी में, जिसके बाद वो यहाँ पे जितने भी इंसान के कॉर्प्स है वो उन स्टैचूज को सैक्रिफाइस कर देंगे। शायद से जो मेयर के हाथ में बुक है वो एक कैटलिस्ट है जो कि इनकी ताकतों को एक्टिव करने के लिए है। लविला फिर से कहती है कि मेंशन से निकलने के बाद मैंने कार्विड मैन टेंपल से यहाँ पे हेल्प मांगने की कोशिश की, पर मैं वो करने में नाकामयाब रही क्योंकि पूरी सिटी अंडर लॉकडाउन है, मुझे किसी भी हाल में इस रिचुअल को रोकना पड़ेगा। ये कहते हैं कि फिक्र मत करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर लविला से कहती है अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम भी खतरे में आ जाओगे। ये कहते हैं कि फिक्र मत करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, हम कल रात मेयर की मेंशन की यहाँ पे जाएंगे। ये फिर हंस को कहता है कि तुम अपने रूम में क्यों नहीं चले जाते। ये कहता है कि मास्टर राम मैं कुछ भी नहीं सुन रहा था, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। जिकी कहता है कि घबराओ मत मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, तुम्हारी एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। ये कहता है कि आपका मतलब क्या है। ये फिर से अपना प्लान बताता है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग मेयर के मेंशन के यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जा चुके होते हैं, पर किसी तरह ये लोग मेयर के मेंशन के बालकनी के यहाँ एंटर करने में कामयाब हो जाते हैं। लविला फिर से उस रूम के यहाँ पे ले आती है जहाँ पे उसने उस स्टैचू को देखा था और जहाँ पे मेयर है, और ये लोग जब उस दरवाजे को खोलते हैं तो उसके पीछे मेयर बैठा होता है। यहाँ पे लविला से बताती है कि यही वो आदमी है जिसने वाइस मेयर को मारा है, जो कि एक अच्छा इंसान है। ये फिर अपने तलवार को यहाँ पे मेयर की गर्दन पे लगा देता है, पर ये हिल नहीं रहा होता। लविला इसे सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि वो कभी भी अपने समन को बुला सकता है, पर ये कहता है कि लेडी लविला आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ये आदमी इन सबके पीछे नहीं है। और तभी असली कल्प्रिट इनके सामने आ जाता है और ये होता है वाइस मेयर, जो कि इन्हें कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग वापस आ जाओगे। यहाँ जिक्की से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि ये मारा गया। ये कहती कि हाँ मुझे लगा था कि ये मारा जा चुका है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी लविला को वाइस मेयर के हाथ में एक बुक दिखती है जिसके अंदर वैली की एनर्जी भरी हुई होती है। ये इन्हें बताता है इसका ऑफिशियल नेम है की ऑफ सैक्रिफाइस रिचुअल। जिकी फिर कहता है कि मैं आप सब कुछ समझ गया हूँ, जो मेयर थे वो मरने से पहले किसी और का ऑर्डर नहीं मानना चाहते थे, वो इस वैली के असली हेंचमैन नहीं थे, वो तो बस एक पपेट थे, पपेट उस इंसान के जो आपके सामने खड़ा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट। लविला फिर से पूछती है कि आखिरकार तुमने पैलेडिन के साथ क्या किया। ये कहता है कि घबराओ मत, उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके मैंने टुकड़े कर करके फिशेस को खिला दिया है। पर आखिरकार ये आदमी कौन है, क्या ये कार्विड मैन सीक्रेट प्रोटेक्शन फोर्स के यहाँ से आया है। ये कहता है कि मेरा कार्विड मैन से कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो भी तुम कह रहे हो। तो ये सब पूछता है तो फिर तुम यहाँ पे किस लाए हो। ये कहता है कि मुझे ये सब उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है जो कि फिशिस्ट को मानता है। ये कहता है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसी हुई, लगता है तुम मारे जा रहे हो वैली की पनिशमेंट लेने के लिए। ये कहता है क्या तुम्हें मैं क्रेजी दिखता हूँ, मैं यहाँ पे खड़े खड़े उस पागल से फिश के पनिशमेंट लूंगा तुम्हारे लिए। ये फिर यहाँ पे अपने अंडेड को समन कर लेता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, पर ये लविला को जिंदा
रखने के लिए कहता है। यहाँ अंडेड फिर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर लवीला अपनी पावर्स का यूज करके जिकी को ब्लेस कर देती है, जिसकी मदद से जिकी यहाँ पे अपनी थोड़ी पावर को एक्टिव करके इनके ऊपर हमला कर देता है और किसी तरह यहाँ पे सभी को मार गिराता है। जिकी फिर उसे कहता है कि अब तुम जितने चाहो उतने अंडेड को बुला सकते हो, मैं सभी को मार गिराऊंगा। ये कहता है कि तुम काफी एरोगेंट हो, पर अब ये यूजलेस है। वैसे भी मैंने रिचुअल की सारी प्रिपरेशन कम्प्लीट कर दी है। ये कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहता है कि मैंने सारे वैली के स्टैचूज को ढूंढ के उन्हें तबाह कर दिया है। ये कहता है कि बेशक तुम सभी को डिस्ट्रॉय करो, इसका कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलने वाला। जिकी इसे बताता है कि अगर एक क्लेरिक जो कि कार्विड के यहाँ से है, अगर वो स्पेशल एक्शन ले स्टैचूज के ऊपर, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो सकती है और उसका असर लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कहती है कि ये सच है। ये कहता है कि हाँ, इस पूरे सिटी के स्टैचूज को तोड़ने के बाद मुझे बस इस रूम के स्टैचू को तोड़ना पड़ेगा, जिसके पास सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर तभी यहाँ पे मेयर काफी सारे अनडेड को इसके ऊपर हमला करने के लिए भेज देते हैं। जिकी अपनी तलवार निकाल के इन्हें मार गिराता है और यहाँ पे लवीला को अपने हाथ में लेके कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये कहती है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, यहाँ पे तो एंट्रेंस को तो उसने ब्लॉक कर दिया है। ये कहते हैं कि घबराओ मत, हमारे पास और भी एंट्रेंस है, और ये यहाँ पे खिड़की तोड़ के बाहर निकल जाता है। पर अगले दिन वाइस प्रेसिडेंट जिकी के भी यहाँ पे वांटेड पोस्टर निकाल देते हैं और उसे नाम दिया जाता है विच के हेंचमैन। जिकी फिर जब अपने पोस्टर को देखता है, वो कहता है इसमें मैं काफी अच्छा दिख रहा हूँ, पर ये कहती है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, लगता है कि वाइस मेन ने तुम्हारा चेहरा अच्छे से देख लिया है। ये कहता है कि तुम ये भी कह सकती हो, पर अब चिंता करना बंद करो और चुपचाप इसको खाओ, क्योंकि आज हमें काफी सारा काम करना है। तो ये कहती है कि आखिरकार ये खाना तुम कहाँ से लाए। ये कहता है कि मैंने बोरो किया है। लवीला इसे बताती है कि इसे तो चोरी कहते हैं। ये कहता है कि हम वैसे भी डायरेक्ट लोगों से खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम काफी गंभीर सिचुएशन में है। ये इसे अपसेट हो जाती है। तो ये कहता है कि इसे अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। जिन भी दुकानों में से मैंने सामान खरीदा है उन सबके मैंने नाम लिख लिए, और जाने से पहले मैं उन सबको डबल पेमेंट करके जाऊंगा। लवीला फिर इसे पूछते है कि हैंस कहाँ पे है। ये से कहता है कि मैंने उसे मदद लाने के लिए भेज रखा है। ये कहती है ये तो अच्छी बात है। ये फिर इसे पूछते है कि आखिरकार अब हम कहाँ जाने वाले हैं। ये कहता है कि सबसे पहले तो हमें हिडन वैली स्टैचूज को ढूंढना पड़ेगा जो कि विलेज में छुपे हुए हैं। ये कहती है कि इसका कोई रास्ता है क्या। ये कहता है कि हाँ, सबसे पहले हमें स्लम्स में जाना पड़ेगा। मुझे रफली एक आइडिया तो है कि आखिरकार वो कहाँ छुपे रह सकते हैं। वही हमें स्लम्स के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिसने यहाँ पे जिकी को उस कैफे ओनर को धमकाने के लिए कहा था। पर ये लोग जैसे ही जिकी और लवीला को देखते हैं, ये लोग उसे कहते हैं कि ये तो विच है, मुझे लगा ही था कि जिकी उसका एक पपेट है। ये लोग फिर यहाँ से भागने लग जाते हैं, पर जिकी ने पकड़ लेता और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। ये फिर इन्हें पकड़ लेता है। ये फिर इसे पूछती है कि आखिरकार ये लोग कौन है। जिकी इसे बताता है कि ये वही लोग है जिसके साथ मैंने उस मर्चेंट सूद को पीटा था। जिकी फिर उस आखिरी लड़के को कहता है कि तुम अपने दोस्तों से प्यार नहीं करते, तुम इन्हें अकेले छोड़ के जा रही हो। वो लड़का इसे कहता है कि आखिरकार तुम जैसे क्रिमिनल्स इतने खुले में कैसे घूम रहे हैं। ये कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ये कहता है कि हम तुम्हें पागल देखते हैं क्या, हम तुम्हें ऐसी मदद करते। ये कहता है कि घबराओ मत, तुम्हें मैं पैसे दूंगा। इस चीज के लिए ये लोग फिर मान जाते हैं। जिकी फिर इनसे पूछता है क्या तुमने किसी इंसान को देखा जो अचानक से बीमार हो गया हो या फिर अचानक से मारा गया हो, ऐसा जैसे कि उसने अपनी लाइफ की एनर्जी एकदम से खो दी हो। इन्हें इसके सवाल का जवाब पता होता है, पर ये लोग इसे कुछ कह नहीं रहे होते। तो जिकी इसे कहता है क्या सचमुच तुम लोग सीरियस हो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम ऐसी एक्टिंग कर रही हो, अब चुपचाप मुझे सारी चीजें बता दो। पर ये लोग कुछ भी नहीं कह रहे होते। तभी यहाँ पे लवीला अपने घुटने पे आ जाती है और कहती कि प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए, आपने अगर हमारी मदद नहीं की तो हम इस सिटी को नहीं बचा पाएंगे, ये सिटी बहुत ही बड़े खतरे में है, ऐसे ही चलता रहा तो ये सिटी सिटी ऑफ डेथ बन जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी काफी अनडेड रात को घूमते हैं और क्या पता आगे जाके इससे भी हॉरिबल चीज हो। ये कहता है क्या तुम सीरियस हो, ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है कि रात को अनडेड यहाँ पे घूम रहे हैं, और अगर तुम जैसे विच यहाँ पे नहीं आई होती तो आज शायद मेरा भाई अच्छी कंडीशन में होता। जिकी फिर से कहता है कि लगता है जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हारा भाई है, अगर ऐसी बात है तो हमें अपने घर तक गाइड करो। ये कहता है कि आखिरकार तुम उसके साथ करने क्या पा लो। जिकी इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चुपचाप मुझे अपने घर ले चलो। और ये लोग इसके घर के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे लवीला काफी ट्राई करती है पर वो इसके इलनेस को ठीक नहीं कर पा रही होती है। जिकी से पूछता है क्या तुम्हारे भाई को किसने यहाँ पे अप्रोच किया था बात करने के लिए या फिर कुछ और। ये कहता है कि हाँ, मैंने उसे देखा था। ये कहता है कि वो कौन है। ये कहता है कि तुम्हें याद है वो कमीना मर्चेंट सूर्ड, उसने ये सारी चीजें की है। लवीला इसे पूछती कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करेगा। ये कहता है कि हाँ, ये उस कमीने मर्चेंट की ही काम है, अगर उस टाइम तुम नहीं आते तो उस टाइम मैं अपने भाई को बचा पाता। जिकी इसे शांत होने के लिए कहता और डिटेल में बताने के लिए कहता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। ये इसे बताता है कि इसका भाई काफी ज्यादा कमजोर है और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है, इसी वजह से वो ज्यादातर घर पे रहता है। पर एक दिन जब ये घर पहुंचा तो उसका भाई वहां पे था नहीं। ये काफी घबरा गया कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, इसी वजह से आसपास अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल गया और तभी इसे अपना भाई दिख गया, पर कोई उसके साथ कुछ
अजीब चीज कर रहा था। ये उसके ऊपर चिल्लाया कि आखिरकार तुम मेरे भाई के साथ कर कह रहे हो, और उसने जैसे ही इसे देखा वो यहाँ से भागने लगा। पर इससे पहले वो यहाँ से भाग पाता ये उसका मास्क हटा देता, और इसके मास्क के पीछे और कोई नहीं, वो शुद्ध होता है। देखिए फिर उसे पूछता क्या तब से ले तक अब तक इसी कंडीशन में है। ये कहता है कि हाँ शुरू में तो उसके शरीर में कहीं भी चोट नहीं थी, और ये कुछ ही देर के बाद उठ भी गया था और एकदम बढ़िया था। पर कुछ ही दिन के बाद ये पतला होने लगा और इसके शरीर की सारी एनर्जी चले गई और ये एक लाइफलेस पर्सन बन गया। देखिए फिर उसे कहता है इसका मतलब तुमने इसी चीज के लिए मेरी मदद मांगी थी। ये कहता है कि हाँ मेरा प्लान ये था कि जिस टाइगर से उसने मेरे भाई को स्टैब किया है उस टाइगर को मैं ले लेता, और उसके बाद उसके साथ डील करता कि एक्सचेंज में मेरे भाई को हील कर दे, जिसके बाद मैं वो टाइगर उसको वापस कर देता। मैं बस ये चाहता था कि किसी तरह वो मुझे ये बता दे कि मैं अपने भाई को कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, पर किसी भले इंसान की वजह से मेरा ये प्लान कामयाब नहीं हुआ और मैं अब तक अपने भाई को बचा नहीं पाया। लेविया फिर इस चीज के लिए माफी मांगती और कहती कि मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी। ये इसे कहता कि तुम्हें क्या गलतफहमी हुई थी, क्या तुम्हें ये लगा कि हम सब मिलकर उसे मार रहे इसी वजह से वो एक कमजोर इंसान है और वो कोई बुरा इंसान नहीं है, या फिर ये लगा कि हम गरीब है, या फिर ये लगा कि हम लोग चोर है। तुम्हें लोगों में भेदभाव करना नहीं आता, तुम ये नहीं देखते हो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तुम सिर्फ ये देखते हो कि आखिरकार कौन ताकतवर और कौन कमजोर है और जो उसे सता रहा है। तभी जिकी से कहता है कि कम ऑन यार, वो नॉवल में पड़ी हुई है, उसे इस चीज का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उसे समझने की कोशिश करो। पर बाय द वे आखिरकार तुम उसे हेट क्यों नहीं करते? ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? ये कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसी वो वहाँ पे आ गई थी मैंने तुम्हें धोखा दे दिया था, तो तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। ये कहता है ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पहली बार था कि कोई इंसान हमारी बिना कंडीशन के मदद करने के लिए माना था। ये दोनों फिर बाहर आ जाते और जिकी से पूछता कि तुम्हें क्या लगता है मिस लविलिया? ये इसे कहती कि हाँ मुझे डेफिनेटली लगता है कि वैली की डिस्गस्टिंग एनर्जी उस बच्चे के अंदर से आ रही है, ऐसा लगता है कि उसे भी किसने सैक्रिफाइस कर दिया है। जिकी फिर से कहता है कि लगता है हमें शुरू कर देना चाहिए। तो ये इसे कहती है क्या तुमने कोई रास्ता फिगर आउट कर दिया क्या? ये कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शुद्ध को जो कि अपने कैफे के यहाँ पे होता है, पर तभी यहाँ पे नीचे से कुछ आवाज आती है, इसलिए ये तहखाना खोल के नीचे आ जाता है और तभी जिकी से पकड़ लेता और कहता है कि काफी दिन हो गए तुमसे मुलाकात नहीं हुई। सोचता है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पर जिकी से कहता है कि चिंता मत करो, आज पूरे दिन मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि कोई हमें रोक नहीं सकता, और चिंता मत करो इस बार कोई भी हमें इंटरप्ट करने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि जो तुम्हारी एंजल है वो हेल की एंजल बन के वापिस आ चुकी है। ये फिर इसे यहाँ पे मारने लग जाता है, पर शुद्ध इसे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ये कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम अपने पीछे खड़ी हुई स्टैच्यू से पूछ सकते हो। पर ये कुछ नहीं बोलता। जिकी फिर से कहता है कि लगता है तुम्हें मारने की जरूरत है ताकि तुम कुछ बोल सको। यहाँ पे ये फिर से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे वैलिड का ही बिलीवर हूँ? ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसके बिलीवर नहीं हो, तुम बस वो एक मधुमक्खी हो जो जहाँ पे शहद गिरता है वहाँ पे चिपक जाती हो। जिकी फिर यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकालने लग जाता है, तो लिविया इसे कहती है कि आखिरकार तुम अपनी स्वॉर्ड क्यों निकाल रही हो? ये इसे कहता है कि अब जब हमें स्टैचूज मिल चुके हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। पर सूट इसे कहता है कि मुझे मारो मत, मुझे पता है कि बाकी स्टैचूज कहाँ पे है। और यहाँ से कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है, इसके अगले पार्ट जल्दी आने वाले है, बस अभी दो पार्ट और है, उसके बाद तो हफ्ते में वीडियोज आती रहेंगी। और बाकी भी काफी सारे एनिमीज मैं इसमें लाने वाला हूँ, मतलब मानवा काफी सारी चीजें आने वाली है। तो गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, और ये बताना मत भूलना ये आपको कैसे लगी। और हाँ जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी मुझे पता है आपको और भी चाहिए वो, और आज शायद से उसका अगला पार्ट रिलीज होता है मतलब चैप्टर, तो उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वो सिर्फ 5 मिनट का रहेगा क्योंकि वो चैप्टर्स काफी छोटे होते हैं मानवा के। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स वॉचिंग गाइज।